नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही पाली से, क्योंकि सुमेरपुर के किसानों का जो महापड़ाव चल रहा था वो खत्म हो गया है। ये देर रात की बात है, करीब देर रात 2:30 बजे प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बन गई, सुलह हो गई। दो मुद्दों पर सहमति बनी, आपको बता दें। जल वितरण की आगामी बैठक जो है वो जवाई में होगी, एक ये। दूसरी ये कि बंटवारे के बाद जो है अन्य स्रोतों पर आने वाले पानी के लिए फिर से बैठक होगी। एडिशनल कमिश्नर के साथ वार्ता में सहमति बनी है। राजमार्ग खोल देंगे किसान, एक बड़ी राहत मिलेगी लोगों को। 6 दिन से किसान जो है वो महापड़ाव कर रहे थे। दो मुद्दों पर सहमति बनी, उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो ये यहाँ पर सुलह हो गई है। सुभाष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। सुभाष, कौन सी वो मांगे थी जो प्रशासन ने मानी है, जिसकी वजह से अब जो है ये माना जा रहा है कि भाई महापड़ाव पूरी तरीके से खत्म हो गया, अब रोडें खाली हो जाएंगे? देखिए आशीष, ये 6 दिन का पड़ाव था और पिछले 12 घंटे से देखा जाए तो ये राजमार्ग दिल्ली अहमदाबाद जो था वो जाम था। प्रशासन के सामने दो ही मांग रखी थी कि आगे से जो भी मीटिंग रखी जाएगी जल वितरण कमेटी की, वो पाली मुख्य पर नहीं होकर के हमेशा से जो जवाई में होती रही है वो जवाई बांध के डाक बंगले में ही की जाएगी। एक तो ये मुद्दा था, दूसरा ये मुद्दा था कि अभी जो शेष पानी जवाई बांध भरने के बाद में अतिरिक्त अगर कोई पानी सही बांधते या बारिश का पानी आएगा तो उसके ऊपर किसान का हक रहेगा। उसकी बैठक भी जल संसाधन के जो अध्यक्ष है, संगम अध्यक्ष है, उनके साथ में सुबेरपुर में होगी। तो देर रात तकरीबन 2:30 बजे एडिशनल जो कमिश्नर है ओम प्रकाश विश्नोई, उनके साथ में समझौता वार्ता हुई थी। इन दो मुद्दों के ऊपर ही सहमति बनी। 3 बजे जाकर के एडिशनल जो कमिश्नर है उन्होंने घोषणा की थी इन दोनों मुद्दों पर सहमति की और राजमार्ग खोलने की बात कही थी। दूसरी बात यह भी आ रही है कि जवाई बांध जो है उसकी भराव क्षमता तकरीबन 61 फुट के करीबन है, 60.5 फुट भर चुका है। ये भी एक प्लस पॉइंट रहा किसानों के लिए कि अगर ये छलक गया तो आंदोलन के चक्कर में हमारी फसल की जो बुआई है वो पीछे नहीं रह जाए। तो दोनों तरफ की जल्दबाजी थी, जरूरत थी दोनों आंदोलन को खत्म करने की और ये आमजन के लिए भी सुविधाजनक रहा कि रात को 3 बजे राजमार्ग को खोल दिया गया। आशीष सुभाष, लेकिन एक चीज और समझने वाली बात यहाँ पर हो जाती है कि भाई आखिर 6-7 दिन का समय क्यों लग गया, और पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये सुभाष, ये भी बता दीजिए कि क्या अब राजमार्ग पूरी तरीके से खुल चुका है कि अभी भी माहौल बना हुआ है थोड़ा बहुत? देखिए आशीष, बात यहाँ आकर के भी रही थी कि हर बार जो मीटिंग है जल वितरण को लेकर के वो हमेशा जवाई बांध के ऊपर रही है। इस बार जो पाली का संकट जो पाली ने झेला था, पाली जिले ने एक एक बूंद के लिए और ट्रेन से जो पाली पहुंचा था और यहाँ तक कि इतना जहरीला पानी 5000 TDS के ऊपर का पानी जनता ने पिया था और कलेक्टर इस बात के गवाह थे। तो इस बात को लेकर के कि कहीं किसान अड़ नहीं जाए, वहां पर माहौल नहीं बिगड़ जाए, तो इस बार की जो मीटिंग थी जिला मुख्यालय के ऊपर रखी गई थी। संभागीय आयुक्त यहाँ पहुंचे थे, शाम को 5 बजे तक किसान नेताओं का इंतजार किया था कि वो आए उसके बाद मीटिंग की जाए, लेकिन किसान नेता नहीं पहुंचे। उन्होंने पहले ही बहिष्कार कर दिया कि ये मीटिंग होगी तो जवाई बांध के ऊपर होगी। और कमिश्नर जो थे केसी मीणा, उन्होंने एक तरफा फैसला करते हुए किसानों को 4010 MCFT पानी बांट दिया और 3000 पेयजल के आरक्षण, यही से बात बिगड़ गई और आंदोलन के ऊपर उतर गए। अब बात यहाँ आकर के आगे इतनी बिगड़ गई थी कि किसानों के न तो आगे जाने की राह बची थी न पीछे जाने की राह बची थी। अब उनके ऊपर यही था कि हमें 4-5 का जो पानी मिल तो गया है लेकिन घर कैसे पहुंचे। एक अहम की लड़ाई थी, वो अहम की लड़ाई यही थी कि प्रशासन कैसे भी करके एक मीटिंग कर ले हमारे साथ। और फाइनली जो है मीटिंग वो हो गई, रात 2:30 बजे हुई सुभाष। और बड़ी चीज ये है कि अब जो है राजमार्ग खोल दिए जाएंगे, जिससे वजह से जो आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। और दूसरी चीज है, किसान मान गए हैं वो अब वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया सुभाष इन तमाम जानकारियों के लिए।